the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Rafi Ko Yaad Karo. Meri aawaz suno, meri aawaz suno. दोस्तों यह है मोहम्मद रफी साहब का संगीत सफर, संगीतकार श्याम सुंदर जी के साथ। और मोहम्मद रफी साहब ने श्याम सुंदर जी के संगीत में टोटल 22 गीत गाए हैं। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले 1944 में पंजाबी फिल्म आई गुलबलोच। इस फिल्म में रफी साहब ने जीनत बेगम के साथ में एक गीत गाया जिसके बोले सोनिए नी हीरिए नी तेरी याद ने आन सताया। तेरी याद ने आन सताया। फिर 1945 में फिल्म आई गांव की गोरी। इस फिल्म में रफी साहब ने जीएम दुर्रानी के साथ में एक गीत गाया जिसके बोले दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी सरकार की ऐसी तैसी। फिर 1948 में फिल्म आई एक्ट्रेस। इस फिल्म में रफी साहब ने तीन गीत गाए। पहले गीत के बोले ऐ दिल मेरी आहों में इतना तो असर आए। ऐ दिल मेरी आहों में इतना तो असर आए। और दूसरे गीत के बोले हम अपने दिल का फसाना उन्हें सुना ना सके। हम अपने दिल का फसाना उन्हें सुना ना सके। जो दूर जा न सके तेरे पास आ न सके। और तीसरा गीत शमशाद बेगम जी के साथ में है। गीत के बोले धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले ये बोल मोहब्बत वाले। धीरे धीरे बोल कोई सुन ले न बोल बोल मोहब्बत वाले। देर न दिल के बोल कोई सुन ले न बोल बोल मोहब्बत वाले। फिर 1949 में फिल्म आई बाजार। इस फिल्म में रफी साहब ने 8 गीत गाए। पहले गीत के बोले ओ जाने वाले चांद जरा मुस्कुरा के जा। ओ जाने वाले चांद जरा मुस्कुरा के जा। जालिम जरा नजर से नजर तो मिला के जा। और दूसरे गीत के बोले ये है दुनिया का बाजार। ये है दुनिया का बाजार ये है दुनिया का बाजार। इस बाजार में देखा हमने हंसने रोने का व्यापार। और तीसरे गीत के बोल इस तरह हैं मेरे भगवान तू मुझको यूं ही बर्बाद रहने दे। मेरे भगवान तू मुझको यूं बर्बाद रहने दे। और चौथे गीत के बोल इस तरह हैं शहीदों तुमको मेरा सलाम। शहीदों तुमको मेरा सलाम शहीदों तुमको मेरा सलाम। और पांचवे गीत के बोले मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान रोटी कपड़ा और मकान रोटी कपड़ा। छठा गीत लता जी के साथ में है। गीत के बोले आए मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया। आए मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया। आए मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया। और सातवें गीत के बोले अपनी नजर से दूर हो। अपनी नजर से दूर हो अपनी नजर से दूर हो। तुम ही बताओ क्या करें मजबूर तुम मजबूर हो। और इसी फिल्म का आठवां गीत जो सतीश बत्रा और शमशाद बेगम जी के साथ में है। गीत के बोले छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। छल्ले की क्या बात हैरानी मांगो दिल और जान क्या है कर दूं तेरी दुनिया कुर्बान। 1949 में ही फिल्म आई चार दिन। इस फिल्म में रफी साहब ने राजकुमारी और एशली बातिस के साथ में एक गीत गाया जिसके बोले हाय ये भोली सूरत वाले दिल का लगाना क्या जाने। हाय ये भोली सूरत वाले दिल का लगाना क्या जाने। हाय ये दिल की
जब दिल का हाल लगा दिया बुझाना क्या जाने। फिर 1951 में फिल्म ढोलक, इस फिल्म में रफी साहब ने 6 गीत गाए। पहले गीत के बोले, दर्द मिन्नत कशे दबा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दबा न हुआ। और दूसरा गीत लता जी के साथ में है, गीत के बोले, ऐसे रसिया का ऐसे बलमा का क्या एतबार, ऐसे रसिया का ऐसे बलमा का क्या एतबार, ऐसी गोरी का ऐसी छोरी का क्या एक बार। तीसरा गीत सुलोचना कदम के साथ में है, गीत के बोले, मगर ऐ हसीनाए बेखबर, मगर ऐ हसीनाए बेखबर, ना सुना मुहब्बत ना सुना तेरा एक बार, नहीं नहीं। और चौथा गीत उमा देवी के साथ में, गीत के बोल इस तरह हैं, चांद की सुंदर नगरी में परियों की रानी रहती थी, चांद की सुंदर नगरी में परियों की रानी रहती थी, चांद की सुंदर नगरी में परियों की रानी रहती थी। जिस दिन एक शहजादे ने कुछ देखा ऐसा सपना, पांचवा गीत लता जी के साथ में है, गीत के बोले, एक पल रुक जाना सरकार न मारो दो नैनों की मार, एक पल रुक जाना सरकार न मारो दो नैनों की मार, के एक पल रुक जाना, दिल फट गया है तो सीनो चाहे मर जाओ या जीनो। और छठा गीत जो शमशाद बेगम और सतीश बत्रा के साथ में है, गीत के बोले, हल्ला गुल्ला लाइला हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला लाइला हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला लाइला हल्ला गुल्ला। माल रोड पे हमने कल एक लड़की देखी जाइला, थुमक थुमक चलते चलते उसका गिरा रुमाइला। फिर दोस्तों लास्ट 1953 में फिल्म अलिफ लैला, इस फिल्म में रफी साहब ने 2 गीत गाए। पहले गीत के बोले, क्या रात सुहानी है, क्या रात सुहानी है, ये रात ना ढल जाए। और दूसरा गीत लता जी के साथ में है, गीत के बोले, खामोश क्यों हो तारो उम्मीद के सहारो, खामोश क्यों हो तारो उम्मीद के सहारो, तुम सामने तो आओ बहारो। दोस्तों ये था मोहम्मद रफी साहब का संगीत सफर श्याम सुंदर जी के साथ। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।